गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो आ जाता है एनाटॉमी। बट फ्लावरिंग प्लांट तो हम जानते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें फूल आते हैं, जिस पर फूल आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। और फूल के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग फूल को लेकर ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कोई हमें फूल दे दे वैलेंटाइन डे पर, टेंशन ही खत्म हो जाए। कुछ लोगों की बात यह है कि जिनको पहले फूल मिल चुका है उनको और अलग टेंशन आ गई है। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें होने का भी सजा है और जिसकी न होने की भी सजा है, यानी कि फूल से दूर ही रहना अच्छा है। वैसे हम यहां पर फूल की बात नहीं कर रहे, फूल वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए फूल पर ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। अब बात आती है एनाटॉमी की, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, वो भी कौन सा प्लांट, फूल वाला प्लांट, है ना। तो एनाटॉमी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो टिश्यू पर हम आते हैं। टिश्यू क्या है, क्योंकि प्लांट टिश्यू से मिलकर बनता है और बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो टिश्यू पे है। व्हाट इज टिश्यू, तो सीधी वाली बात है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का एक समूह जो कोई स्पेशल काम करता है उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशल वर्क इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये हमारा टिश्यू आ जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशल वर्क, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कह देंगे। ये हो गया हमारा टिश्यू। अब हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू ऐसे टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू कहेंगे, ठीक। सीधी वाली बात है, प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा वाला है परमानेंट टिश्यू, बोले तो जिसकी सेल्स डिवाइड नहीं करती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा वाला परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये सेल्स हैं लगातार डिवाइड करती हैं, सेल्स डिवाइड, इसकी सेल्स डिवाइड करती रहती है। और परमानेंट टिश्यू की सेल्स जनरली नॉट डिवाइड, इनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती। तो ये हमारे दो तरह के टिश्यू मिले भैया, किसमें, प्लांट्स का। अब परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, प्राइमरी मेरिस्टम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह का होता है, प्राइमरी मेरिस्टम और दूसरा वाला सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टम यानी कि लेंथ में ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि
विड्थ में ग्रोथ होगी, ये चौड़ाई में बढ़ता है। कोई प्लांट है उसकी जो चौड़ाई बढ़ रही है तो इसका मतलब सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ रही है प्लांट की, इसका मतलब प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू या फिर प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, अब बात यह आती है प्राइमरी मेरिस्टम दो तरह का होता है। पहला वाला क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम ये टिप पर पाया जाता है, चाहे रूट हो या शूट हो उसकी टिप पर ये पाया जाएगा, ऑन टिप यानी कि टिप पर पाया जाता है। दूसरा वाला जो है वो कौन सा है हमारा, एपिकल मेरिस्टम पहले वाला हो गया, दूसरा वाला है इंटर कैलेरी मेरिस्टम। इंटर कैलेरी मेरिस्टम का मतलब जो नोड्स पर पाया जाता है, ऑन नोड्स। नोड्स एक ऐसी जगह है प्लांट्स की जहां पर क्या निकलता है, लीव्स निकलती हैं, जहां से स्टेम का वो पार्ट जहां से लीव्स निकलती हैं, ब्रांच निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ये इंटर कैलेरी मेरिस्टम नोड्स पर पाया जाता है। अब आ जाता है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का ये टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू कह लीजिए या फिर सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू कह लीजिए, ये कोई स्टेम, ये स्टेम के यहाँ आसपास पाया जाता है, जिससे स्टेम की विड्थ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। ठीक, अब ये कहानी हो गई हमारी मेरिस्टमेटिक टिश्यू की। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू दो तरह का पाया जाता है भैया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला वाला कौन सा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू उसे कहते हैं जिनमें एक ही तरह की सेल्स पाई जाती हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स, एक जैसी एक तरह की सेल्स पाई जाती है, वन टाइप सेल्स पाई जाती हैं। ये तीन तरह का होता है। पहले वाला है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, और दूसरा वाला कौन सा है, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, तीसरा वाला कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा वाला हमारा स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा टिश्यू जिसमें ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस पाया भी जाता है और नहीं पाया जाता है। बोले तो इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं, सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनके सेल्स के बीच में जो जगह पाई जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता, लेकिन कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा बहुत ही कम पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक, अब पेरेनकाइमा की और कॉलेनकाइमा की सेल्स कैसी होती हैं, ये लंबी लंबी भी सेल्स हो सकती हैं, गोल गोल जैसी भी सेल्स होती हैं, ओवल भी सेल हो सकती हैं, और पॉलीगोनल भी सेल्स, ऐसी भी सेल्स इनकी हो सकती हैं। ठीक, पेरेनकाइमा में जब क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ठीक, कौन सा हमारा, पेरेनकाइमा। जब पेरेनकाइमा में हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसे हम नाम दे सकते हैं स्पेशल, जिसका नाम है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, अब ये स्टोरेज का काम भी करती है पेरेनकाइमा वाली सेल्स। पेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है बहुत पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन हमारे कॉलेनकाइमा की सेल्स सेल वॉल जो होती हैं वो कॉर्नर पर थिक होती है, कोने जहां पर होंगी वहां पर थिक होंगी और सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। तो ये कॉलेनकाइमा की सेल्स हो गई, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और ये कॉलेनकाइमा की जो सेल्स हैं ये जैसे पत्ती का पेटियोल नहीं होता तो वो सहारा देने के काम करती हैं, क्योंकि पेक्टिन थोड़ी रिजिड है। और ये देखिए स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की तो बात ही बड़ी जबरदस्त है, यानी कि जब आप किसी से इश्क करोगे तो मारे जाओगे। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का मतलब इनकी सेल्स डेड होती हैं, मरी हुई होती हैं। मैंने पहले ही बता दिया था इश्क किया इसने, मारी गई सेल्स, तो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो है डेड सेल्स होती हैं, बाकी पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा की सेल्स
लिविंग सेल होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा में एक लंबी लंबी सेल्स पाई जाती हैं जो पॉइंटेड होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, फाइबर्स कहते हैं। और एक बड़ी बड़ी भी पाई जाती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ये जो है स्पेस बहुत कम पाया जाता है फिट। और ये डेड सेल्स हैं दोनों, ये हमारे ये स्क्लेरेट्स होते हैं और ये वाली सेल्स फाइबर्स होती हैं। दोनों ही सेल्स जो किसका टाइप है, स्क्लेरेन्काइमा का टाइप है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कठोर होती है, कड़ी होती है। अब ये हमारी किसकी कहानी हो गई, सिंपल परमानेंट टिश्यू की कहानी हो गई। अब बोलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली वाली बात, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसका दूसरा टाइप है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब मेनी टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती हैं, मेनी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाएगा, अब इसकी चर्चा हम बड़े तरीके से करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है भैया। देख कौन सा आ रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देखिए भैया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा जाइलम, पहला वाला है इसका जाइलम, और दूसरा वाला है इसका फ्लोएम। अब ये बात याद रखें आप, एक मान लीजिए एक आदमी था, उसका क्या नाम था, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसका, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता था, उसका नाम कॉम्प्लेक्स था। उसके दो बेटे हुए, पहले ये जो आदमी था ये होटल का काम करता था, इसके दो बेटे हुए, पहले बेटे का नाम जयलम था और दूसरे बेटे का नाम फ्लोएम था। तो जयलम के भी चार बेटे हुए, एक पहला जो है जयलम, ट्रेकियर्स, दूसरा वाला जयलम, वेसल्स, तीसरा वाला जयलम, फाइबर्स, चौथा वाला जो है जयलम, पेरिन कायम। ये हमारे जयलम के पार्ट हो गए, जयलम पेरिन कायम, ठीक। अब ये हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम की भी चार बेटे हुए, ये पीछे क्यों रहता, इसने भी चार बेटे पैदा किए, ठीक है भैया। पहला वाला बेटे का नाम, पहले वाले का नाम क्या रखा है इसने, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। दूसरे बेटे का नाम क्या रखा, कंपेनियन सेल्स। तीसरे वाले बेटे का क्या नाम रखा है इसने, तीसरा वाला जो बेटा था, तीसरे का क्या नाम रखा, फ्लोएम फाइबर्स। चौथे वाले बेटे का नाम क्या रखा, फ्लोएम पेरेन कायम, ये रखा भैया इसका नाम। सुविधा के लिए थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, यहां पर फ्लोएम पेरेन कायमा हो जाएगा और यहां पर फ्लोएम फाइबर्स हो जाएंगे, ऐसे ही सुविधा के लिए हम यहां पर ऊपर नीचे कर लेते हैं। यहां पर जाइलम पेरेन कायमा हो जाएगा और यहां पर जाइलम फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या बनती है, तो ये जो है जयलम के चार बेटे हैं, फ्लोएम के भी चार बेटे हैं। जयलम ने पानी का धंधा किया, जयलम फॉर जल, यानी कि इसने वाटर का काम किया, और इसने किसका काम किया, फ्लोएम फॉर फूड, यानी कि फूड का काम किया, प्लांट फूड का काम किया था फ्लोएम ने, यानी कि इसने होटल का काम किया,
अपने खाना वगैरह देता था लोगों को। इसने आरओ पानी का काम किया, ये आरओ का पानी बेचने का धंधा करता था। जैलम, जैलम के चार बेटे हुए, लेकिन जैलम था बड़ा कमीना। कमीना क्या होता है, यानी कि इसने जब आरओ का पानी यो देता था तो उसमें नॉर्मल पानी मिला के दे देता था, आरओ का पानी बहुत नाम मात्र के लिए देता था। बड़ा बेईमान था जैलम, बेईमान था। तो बेईमानी की जो है बात वो भगवान के यहाँ तो सच होती है भैया, भगवान तो उसको करेंगे, इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अब जब इसने क्या किया, ये जो है पानी मिलाता था बेकार वाला, तो इसके जो चार में से तीन बेटे थे, तीन बेटे मारे गए। पाप की कमाई है, जो तीन बेटे थे यानी कि जैलम तय किया, जैलम पैसठ सौ जैलम फाइवर्स, ये हमारे तीन, ये इसके जो पार्ट होते हैं डेड हो गए, तीन मारे गए। तीन मारे गए का मतलब बेईमानी से फली नहीं, फलस्वरूप इसके तीन बेटे मर गए। तो जैलम ट्रेकियार्ड, जैलम पैर वैसल्स और जैलम फाइबर, और इसका एक बेटा जिंदा रहा, ये यानी कि लाइवशेल, ये जिंदा रहा। ठीक, अच्छा दूसरी वाली बात ये आती है, फिलोइन भी, ये इतना बेईमान नहीं था। कभी कभी जो है शाम का खाना जो होता था वो सुबह दे देता था, कभी कभी बचता था, लेकिन इतना बेईमान नहीं था। लेकिन थोड़ी सी बेईमानी थी, इसलिए इसको भी प्रसाद मिला। इसका एक बेटा मारा गया, ये बेटा मर गया, और इसके तीन बेटे जो हैं लिविंग रहे, यानी कि ये जिंदा रहे, लाइव रहे। अब ये बात आ जाती है कि यहां पर एक बात सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा घूम ले आते हैं। किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। जैलम और फ्लोइम दो तरह का होता है। जैलम वाटर मिनरल का काम करता है, वाटर मिनरल्स देता है, वाटर प्लस मिनरल्स प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोइम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जैलम के चार तरह की सेल्स जैलम में पाई जाती हैं, चार कंपोनेंट होते हैं जैलम में, जिनमें पहले तीन कंपोनेंट डेड सेल के बने होते हैं, और लास्ट वाला कंपोनेंट जैलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल का बना होता है। ये पहले वाले जो दो पार्ट हैं ये जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू वाटर, वाटर का मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो है ये प्लांट को सपोर्ट देता है, क्योंकि कौन सी सेल का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल का बना होता है, और जैलम पैरेन्काइमा ये फूड स्टोर का काम करता है। ठीक, ये बात हो गई। ऐसे ही यहां पर देखें, ये जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फ्लोइम पैरेन्काइमा जो है ये किसका काम करता है, सेम यहां पर है, ये फूड स्टोर का काम करता है, फूड स्टोर का काम करेगा, और फ्लोइम फाइबर्स ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। अब दो तरह के और पाए जाते हैं, प्रोटोजैलम और मेटाजैलम। ऐसे प्रोटो फ्लोइम और मेटा फ्लोइम, प्रोटो का मतलब पहले बना हुआ, मेटा का मतलब बाद में बना हुआ। तो इसका कंसेप्ट आप समझ ही लोगे। आपको देखा होगा आपने, अब हमारा एक टिश्यू सिस्टम होता है, इसे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये जो टिश्यू सिस्टम आपने पहले देखे थे, प्लांट के जो टिश्यू थे, जैसे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हमारा परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा है, तो वो सारी चीज जो देखी थी आपने, वो हमारे केस पे देखे थे, सेल की टाइप के बेसिस पे देखे थे। अब जो आप प्लांट के जो टिश्यू देखोगे, वो उसकी लोकेशंस के बेसिस पे देखोगे कि उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप देखोगे उनके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। तो पहला वाला है हमारा कौन सा टिश्यू आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट के आउटर आउटर वाले पार्ट को कहते हैं। जैसे हम कहें कि रूट है, रूट, रूट के बाहर बाहर जो उसकी स्किन जो पाई जा रही है, उसकी हम कह सकते हैं रूट की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस की बनी होती है। पेड़, अगर प्लांट उसकी ट्री, ट्री की अगर हम स्टेम के बारे में बात करें, टीम ट्री का स्टेम जो आउटर मोस्ट लेयर जो बनी होती है वो किसकी बनी है, वो भी एपिडर्मिस की बनी होती है। लीफ है, लीफ की आउटर मोस्ट लेयर है वो भी हमारी एपिडर्मल सेल्स की
बनी होती है। तो इस टिश्यू सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरिया वायरस या किसी इन्फेक्शन से इन्हें बचाना। और ये जो है मैकेनिकल तोड़ मरोड़ से भी बचाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भैंस वगैरह है आसानी से खुजली कर रही है तो वो सेल्स आसानी से डैमेज नहीं हो सकते। तो इनका मेन काम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मेन काम क्या है कि प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और अगर बात करें लीफ में, तो लीफ में एपिडर्मिस में जहां जहां एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती है वहां वहां क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो गार्ड सेल से ढके हुए होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर जो पार्ट है वो टिश्यू सिस्टम आता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, बोले तो जाइलमर फ्लुएम आते हैं, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी जाइलमर फ्लुएम आते हैं। जब ये टिश्यू सिस्टम, जब ये वेस्कुलर बंडल्स यानी कि अलग अलग रेडियस पर अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल टिश्यू सिस्टम। अलग अलग रेडियस पर अरेंज हैं तो जैसे ये तो हमारे हो गए फ्लुएम और ये वाले क्या हो गए जाइलम। जब अलग अलग रेडियस पर, ये इस वाले रेडियस पर अरेंज है, ये इस वाले रेडियस पर अरेंज है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल टिश्यू सिस्टम या रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, ठीक। और दूसरे वाले जो होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, वो एक ही रेडियस पर अरेंज हैं, दूसरा ये तो रेडियल वाले होंगे और दूसरा वाला क्या आ रहा है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में क्या होता है कि ये एक ही रेडियस पर अरेंज होते हैं। जैसे ये वाला जो है हमारा, ये वाला हमारा फ्लुएम है और ये वाला हमारा जाइलम, जाइलम जाइलम एक ही रेडियस पर, ये दोनों एक ही रेडियस पर आ रहे हैं, एक दूसरे से पास पास जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कॉन्जॉइंट अगर मान लीजिए जैसे इनके बीच में अगर कैम्बियम नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट। और इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट ओपन टिश्यू सिस्टम। कैम्बियम से क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्यों, कैम्बियम में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं और वो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, ठीक है, लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब तीसरा वाला जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है भैया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम उसे कहते हैं जो एपिडर्मल यानी बाहर वाली लेयर को छोड़ के और हमारे जाइलम फ्लोएम के छोड़ के जो भी टिश्यू पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इसमें कॉर्टेक्स आती है ना, कॉर्टेक्स आ रही है इसमें। जैसे मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ, किसी स्टेम का या रूट का ले सकते हैं आप, ये है तो बाहर वाली लेयर स्टेम का डायग्राम मान लीजिए आप। ये बाहर वाली लेयर जो होती है ये किसकी होती है, हमारी एपिडर्मिस, ठीक। और अंदर ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हो गए। इनको छोड़ के बाकी जो इसमें कुछ पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या पाई जा रही है, एंडोडर्मिस पाई जा रही है, ये एंडोडर्मिस की लेयर होगी ये। और यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं ये हमारी कॉर्टेक्स की सेल्स है, ये कॉर्टेक्स वाली सेल्स हो गई, ठीक, कॉर्टेक्स की सेल्स हो गई है। और एक और वाली बात देखिए कि यहां पर इनके बिल्कुल बीचों बीच में जो पाई जा रही है उसे हम क्या क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। इनके बीच में जो जगह ये पाई जा रही है यानी कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में खाली जगह ये पाई जा रही है, ये जो जगह पाई जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, पेरिसाइकिल कह देते हैं, पेरिसाइकिल है। और एंडोडर्मिस लेयर है ये वाली, कौन सी लेयर पाई जा रही है, एंडोडर्मिस लेयर।
एंडोडर्मिस के अंदर जो भी सब्सटेंस पाया जाता है वेस्कुलर बंडल को छोड़ के, उसे हम क्या कहते हैं, स्टील, उसे हम STEL स्टील कहते हैं। स्टील के यही फिट है पेरिसाइकिल, स्टील के पार्ट में। तो ये हमारा वेस्कुलर बंडल्स दो है, इनके बीच की जो जगह होती है उसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच वाली जगह को फिट कहते हैं। एंडोडर्मिस की पूरी वाली जगह को हम अंदर वाली को स्टील कहते हैं, पूरी जगह जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्टील कहते हैं। और ये एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाली लेयर जो कॉर्टेक्स का पाई जाती है, तो ये हमारा वेस्कुलरेटरी सिस्टम हो जाता है। ये नॉर्मल ये ऐसे टिश्यू होते हैं। अब आप उसके आधार पर अलग अलग रूट्स में, स्टेम में थोड़ी सी इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा मॉडिफाई होता है, तो आप उसे NCERT में से पढ़ लेना। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ओवरव्यू में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमारे सिलेबस में अब इस बार जो कोरोना जो चल रहा है, कोरोना COVID-19 जो चल रहा है उसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे बहुत फास्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो बात आती है, एक हम लीफ का स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। लीफ जो पाई जाती है ये पाई जाती है जहाँ ये सबसे वाली बाहर वाली लेयर जिस पर जो है ये वैक्सी लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। इसके नीचे वाली जो जगह होती है जहां पर ये सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल सेल्स कहेंगे। ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं। अब यहां पर जो पाया जाता है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो किसका पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल्स का पाया जाता है। इसके चारों तरफ बंडल्स की सेल्स पाई जाती है, ठीक। अब यहां पर जो जगह पाई जाएगी उनमें क्या पाई जाएगी, मीजोफिल सेल्स पाई जाएगी। डाइकॉट प्लांट की बात करें तो दो तरह की मीजोफिल सेल होती हैं, एक तो खड़ी हुई मीजोफिल सेल्स होती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, खड़ी हुई जो होती हैं उनको पॉलीसेड मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और जो जिनमें सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, ओवल फॉर्म में होती हैं और जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये तो नॉर्मल डायग्राम है हमारा, किसका पॉलीसाइड और स्पॉन्जी पाए जा रहे हैं, डाइकॉट प्लांट में पाए जा रहे हैं, अदरवाइज मोनोकॉट प्लांट में सिंपल ये मीजोफिल सेल्स हमारी पाई जाएंगी। तो अब एक बात और आती है कैम्बियम के बारे में देख लेते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। दो तरह की कैम्बियम पाई जाएंगी, कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये देख लीजिए आप कैम्बियम के बारे में, ये है और ये हमारी एंडोडर्मिस हो गई, ठीक है भैया। यहां पर हमारे क्या पाए जा रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं। वेस्कुलर बंडल्स इनके 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 और इनके इनके, ये बीच की जो ये जो कैम्बियम होती है, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम होती है उसे हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स में यहाँ पर जो कैम्बियम पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। यानी कि ये दोनों ही कैम्बियम ऐसी हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती हैं और जो इसकी प्लांट की विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, लेट सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। बाकी फिर कभी इस चैप्टर में आएंगे डिटेल्ड में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।